वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. आई एम गौरव गुप्ता और दिस वन इज द सेकेंड लेक्चर ऑन द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर. सो प्लीज लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड विच ही सेल इन 2 मार्केट्स. मतलब एक मैन्युफैक्चर है जो 3 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, एक्स वाई एंड जेड, और जहां वो सेल करता है वो कौन सी मार्केट है, मार्केट 1 एंड मार्केट 2. इसके लिए उसने एक टेबल डिफाइन की गई है. यहां मार्केट मेंशन है, यहां प्रोडक्ट, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एक्स मार्केट 1 में कितनी सेल करता है वो 10,000 और मार्केट 2 में कितनी सेल करता है वो 6,000. इसी टाइप से सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड. अब क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स में पूछा गया है. फर्स्ट पार्ट कहता है इफ द यूनिट सेल प्राइस. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यूनिट सेल प्राइस का मतलब क्या है. एक प्रोडक्ट ऑफ एक्स हो या वाई हो या जेड हो, उसकी कॉस्ट क्या है. तो यहाँ आपको क्या दिया गया है, यूनिट सेल प्राइस. तो यहाँ पर सेलिंग जो प्राइस है ऑफ वन यूनिट का ऑफ एक्स जो का है 2.5 रुपीस, वाई यूनिट का सेलिंग प्राइस है 1.5 रुपीस और जेड यूनिट का सेलिंग प्राइस है 1 रुपीस. आपसे कहा गया फाइंड द टोटल रिवेन्यू, मतलब आफ्टर सेलिंग जो आपको मनी मिलेगी वो मनी क्या होगी आपकी, टोटल रिवेन्यू. तो टोटल रिवेन्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसने क्या कहा, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड यू हैव टू डू फाइंड आउट. तो आपको पता है जब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करना है, इट मीन्स आपको दो मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा और फर्स्ट मैट्रिक्स यू हैव ऑलरेडी. तो इस ये मैट्रिक्स क्या है आपकी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट एक्स ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एक्स वाई जेड. तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया, एक्स. तो ये मैट्रिक्स बन गई मेरी, ये 10,000, ये 2,000, ये 18,000, ये 6,000, ये 20,000 और ये 8,000. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यूनिट सेल प्राइस. तो मैं नेट मान लेता हूँ वाई, वाई क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड यूनिट रिस्पेक्टिवली. तो क्या है हमारी मैट्रिक्स, वाई. अब आपको पता है अब आपने किसको कैसे अरेंज करा, रो की टर्म्स में. तो सेकंड मैट्रिक्स को कैसे अरेंज करना है, कॉलम की टर्म्स में. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इजीली अप्लाई हो जाएगी और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व. तो एक्स का यूनिट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 2.50. वाई का सेलिंग प्राइस कितना है, 1.50. एंड जेड का सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपीस. तो ये एक्स का सेलिंग प्राइस है 1 यूनिट का, ये Y का सेलिंग प्राइस है और 1 यूनिट का, ये Z का सेलिंग प्राइस है. और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ X कितनी, ये है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Y, ये है, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Z दिस. तो अब आपके पास X भी है और Y भी है. यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द टोटल रिवेन्यू, बिकॉज टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट. तो यहाँ कॉस्ट किसकी बात कर रहे हैं, हम सेलिंग प्राइस की. तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. तो प्लीज पॉज द वीडियो और डू मल्टीप्लाई. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ अब हम निकालते हैं अपना टोटल रिवेन्यू. टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट. अब आपको पता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की मैट्रिक्स एक्स है, इसका मतलब ये एक्स हो गया,
और सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट, सेलिंग प्राइस क्या है वो वाई है। इसका मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई। एक्स है आपकी 10,000, ये 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000 और सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स क्या है 2.50। अब देखो 0,0 है, पॉइंट के बाद 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2.5 लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो और 1 लिख सकते हो। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करिए, 2 रो एंड 3 कॉलम, तो इट मीन्स 2 × 3, यहाँ 3 रो एंड 1 कॉलम, तो अगेन देखिए मैच कर गई, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 × 1। तो इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, अब आपको सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, करिए मल्टीप्लाई। सबसे पहले फर्स्ट रो को लॉक कर दीजिए, इसको लॉक कर दिया, अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 25,000, 2,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 30,000, बिकॉज 15 × 2 = 30 और 30,000, तो 0 कट जाएगी तो क्या आ जाएगा 3,000, फिर 18,000, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट 2,000 × 1.5 = 3,000, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से, 18,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो 18,000। अब फर्स्ट जो रो है वो कंप्लीट हो चुकी, अब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 × 25 = 6 कितना होता है 150 और 20, इट मीन्स 15,000। अब सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 25 × 6 = 150, तो 15,000 ही हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट सेकंड से 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 30, तो ये बन जाएगा आपका 30,000, प्लस थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे 8,000। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 25 और 3 कितना हो गया 28 और 46 हो गया, ये बन गया आपका 46,000, ये कितना बन गया 45 और 853,000। तो हम कह सकते हैं जो टोटल रिवेन्यू मार्केट वन, फर्स्ट मार्केट से आपको जो टोटल रिवेन्यू ऑब्टेंड हुआ वो कितना हुआ 46,000, और सेकंड मार्केट से जो रिवेन्यू ऑब्टेंड हुआ वो आपको हुआ 53,000। तो चेक करते हैं आंसर अपना, यस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, अब सेकंड पार्ट, इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव, अब देखिए यहां पर तो आपको सेलिंग प्राइस गिवन था, बट यहां पर आपको क्या गिवन है, यूनिट कॉस्ट। इसका मतलब अब जहां सेलिंग प्राइस से आपने यूनिट मैट्रिक्स बनाई थी तो वहां पर आप क्या बनाइए, यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स। तो यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस, और यहां से क्या मिला आपको, सेलिंग प्राइस, इट मींस टोटल रिवेन्यू, और यहां से क्या मिल जाएगा हमें, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो अब यहां पर आपसे क्या कहा गया, ऑफ द अबव आर दिस, इसका मतलब जो एक्स का कॉस्ट प्राइस है वो 2 रुपीज है, वाई का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज है, और जेड का कॉस्ट प्राइस 50 पैसे, 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लो 0.5 रुपीज। फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट, अब आपको ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट आपको पता क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आपको सेम टू सेम करना है, जहां वाई मैट्रिक्स सेलिंग मैट्रिक्स बनाई थी, अब वहां पर वाई क्या बना दोगे, कॉस्ट मैट्रिक्स।
तो आपके पास कॉस्ट गिवन है, उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट। तो फिर आप क्या करोगे, प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपका निकल गया रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स तो क्या रहेगी आपकी, सेम टू सेम, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सेम। अब आपको वाई मैट्रिक्स बनानी है, तो वाई मैट्रिक्स को आप क्या लेट करोगे, लेट जो वाई मैट्रिक्स है ये क्या है, यूनिट कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स, किसके लिए है, फॉर द प्रोडक्ट्स, किस किस प्रोडक्ट्स के लिए, एक्स वाई एंड जेड। तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, फर्स्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 रुपीज़ है, 2.00, सेकेंड का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ है, 1.00, एंड थर्ड का कॉस्ट प्राइस 50 पैसे है, तो 0.50। तो दिस वन इज माई वाई मैट्रिक्स। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, उनका यूनिट प्राइस कितना है, एक आइटम का प्राइस कितना है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपकी एक्स है और यूनिट प्राइस आपका क्या है, वाई। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो क्या है आपका, एक्स वाई। तो आपके पास एक्स ऑलरेडी है, तो हमने एक्स लिख लिया, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसकी वाई के साथ, वाई आपका ये रहा 2.00, 1.00 एंड 0.50। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखिए, इसका ऑर्डर 2 × 3 और इसका ऑर्डर 3 × 1, तो ये बैलेंस है, तो आपका आंसर सेम टू सेम वही आएगा, 2×1 की एक मैट्रिक्स की 2 रो आएगी और 1 कॉलम। तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने का रूल वही है, फर्स्ट रो को लॉक करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा ये 20,000, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ये 2,000, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 9,000। इसी टाइप से अब सेकेंड रो को लॉक करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये 12,000, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा 20,000, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा 4,000। तो रिजल्ट क्या बन गया आपका, ये 31,000, और ये बन गया आपका 32 और 4, 36। तो ये बन गई आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रोडक्ट, और ग्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब यहां देखिए, ये जो टोटल कॉस्ट है ये किसके लिए है, मार्केट वन। तो मार्केट वन की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 31,000, और मार्केट टू की कॉस्ट कितनी आ गई, 36,000। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं इसको रब कर देता हूं, अब हम बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। अब हम किसके लिए निकालते हैं, सबसे पहले मार्केट वन के लिए, मार्केट वन टोटल रिवेन्यू देखिए ये रहा मार्केट वन का कितना है, 46,000 माइनस, और टोटल कॉस्ट प्राइस मार्केट वन का कितना है, 31,000। इसका मतलब कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, 15,000।
रुपीज। सिमिलरली फॉर मार्केट सेकंड, टोटल रिवेन्यू कितना है 53,000, माइनस एंड टोटल कॉस्ट प्राइस इज 36,000, रिजल्ट कितना आ गया आपका ये 17,000। तो चेक करते हैं एक बार आंसर, व्हाट्स द आंसर, 15,000 एंड 17,000, यस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 15,000 इज योर मार्केट वन का ग्रॉस प्रॉफिट है और 17,000 फॉर मार्केट टू का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, आपको एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, सो दैट x मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब आपको ये नहीं पता कि सबसे पहले कि जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, बट ये तो आपको पता है कि x और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये x मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर तो आपको पता है, इसमें रो कितनी है 2 एंड कॉलम इज व्हाट 3, और आपको पता है इस मैट्रिक्स में मान लो इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो n शुड बी सेम, ये टर्म सेम होनी चाहिए, इसका मतलब जो n है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 2, और जो रिजल्टेंट ऑर्डर आता है वो m इंटू क्या आता है 3। तो हमारा जो रिजल्टेंट ऑर्डर आ रहा है मैट्रिक्स का वो कितना आ रहा है 2 रो एंड 3 कॉलम, इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई 2। तो m इज 2, इसका मतलब हमारी जो मैट्रिक्स बन गई x मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स का हमारा, इसको ऐसे मत लिखिए क्योंकि ये तो एलिमेंट बन जाएगा ऐसे करेंगे, तो सिर्फ x लिखिए। तो जो हमारी x मैट्रिक्स बन गई वो किस ऑर्डर की बन गई, m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब आपकी जो x मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 2 आएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये पता लगा लिया कि x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो n की वैल्यू 2 और रिजल्टेंट ऑर्डर आपका ये आता है m इंटू 3, तो आपको पता है ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, तो m की वैल्यू क्या हो गई 2। तो इसको आप अपनी तरफ से लेट कर लीजिए, इसके एलिमेंट्स को मैं लेट कर लेता हूँ, A, B, C, D। अब आपका मेन फोकस रहेगा कि A, B, C, D की वैल्यू फाइंड आउट करना। यदि जब आप A, B, C, D की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो इसको पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी X मैट्रिक्स। तो अब हम यहाँ पर X मैट्रिक्स पुट करते हैं, X मैट्रिक्स बन गई हमारी A, B, C, D। मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर क्या मिलता है, -7, -8, -9, 2, 4, 6। मल्टीप्लाई आपको पता है, करिए मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को लॉक करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा 4b। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा 2a, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा 5b। अब थर्ड कॉलम से करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3a, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6b। अब सेकेंड रो को लॉक करिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा c, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा 4d, सेकेंड कॉलम से करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ 2c, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा 5d, थर्ड कॉलम से करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ 3c, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई हुआ 6d, इज इक्वल टू सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगी, -7, 2, -8, 4, -9 और 6। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है एक ये मैट्रिक्स है, बीच में साइन क्या है इक्वल, तो हम दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के कोरस्पॉन्डिंग।
तो ये अप्लाई करिए, आपके पास इक्वेशंस बन जाएगी, उनको सिंपलीफाई करिए एंड गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी डी। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू सॉल्व एट योर लेवल। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज डू इक्वेट। तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट किसके इक्वल होगा? -7 के। तो ये बन गया a प्लस 4b इक्वल टू -7। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल 2a प्लस 5b इक्वल टू क्या आ गया? -8। अब थर्ड को इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास दो इक्वेशंस बन गए। इन दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब इक्वेट करते हैं इसको। ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। तो ये बन जाएगा c प्लस 4d इक्वल टू 2। एंड सेकेंड एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 के इक्वल 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। अब इसको बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ देखिए 2a है, यहाँ a है, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया जाए विद 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बैलेंसिंग हो जाएगी। तो करिए मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 8b और माइनस के 14। और ये टर्म एज इट इज 2a प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस के 8। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। 8 माइनस 5 3b और ये माइनस ये प्लस, 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 6 साइन माइनस का। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको। तो ये a प्लस 4 इंटू बी, बी की वैल्यू -2 इक्वल टू -7। तो a -8 इक्वल टू -7। तो a इक्वल टू -7 प्लस 8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ऐसे यहाँ इक्वेट करिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4। ये 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। 8d माइनस 5d कितना आ गया? 3d इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो प्लीज़ वेट अ मिनट, चेक करते हैं कि डी की वैल्यू क्या 0 आ रही है। यस करेक्ट। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सी प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2। तो सी इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। इट्स वेरी इजी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board, question number 12. If A and B are the square matrix of same order, मतलब दो matrix है A and B और उनका order क्या है? Same. और ऐसे एक और condition दे दी आपको, such that ऐसे matrix है ये कि A B की multiply करो या B A की multiply करो, result क्या आता है आपका? Same. Then prove by induction. Induction का मतलब है PMI principle, जो हमने question number 1, 2 and 3 solve किए थे, that ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए कोमा फर्दर। इसका मतलब एक पार्ट तो ये प्रूव करना है, इसके बाद भी आगे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सभी वैल्यूज के लिए। तो आपको पता है सबसे पहले आपको कैसे करना होता है, 3 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए ए बी की होल पावर एन इज इक्वल, सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है? ये प्रूव करना है ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। ये हमारी क्या है? मैथमेटिकली स्टेटमेंट। स्टेप वन क्या होता था? सबसे पहले हम पुट करेंगे एन इज इक्वल टू 1। तो पुट करिए, ये पी ओ 1 बन जाएगा, ये ए बी की पावर 1, ये बी की पावर 1 इंटू ए। इसका मतलब ये ए बी हो गया और ये बी ए, और ए बी और बी ए क्या है? ये गिवन है, इक्वल है कि ए बी और बी ए क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू।
सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, स्टेप टू, हम कोई भी अर्बिट्री नंबर चूज करते हैं, सपोज n इज इक्वल टू के, और लेट करके चलेंगे कि यहाँ पर स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसको क्या मानेंगे, एज्यूम। तो ये हमारा एज्यूम ट्रू है, तो n को क्या पुट करना है आपको, k, तो n को पुट करिए k इज इक्वल टू a b की पावर k इज इक्वल टू b k इंटू a, ये पुट कर दिया हमने। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप थर्ड, अब हमें प्रूफ करना होता है, प्रूफ फोर, किसके लिए, इससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, k प्लस वन। तो अब आप क्या पुट करोगे, n इज इक्वल टू k प्लस वन, तो ये बन जाएगा p, और n को पुट कर दिया हमने k प्लस वन, तो ये किसके इक्वल हो गया, a b की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू b की पावर k प्लस वन इंटू ए। याद रखिए ये पूरी की ब्रैकेट है, ये इससे पजल मत होइएगा। अब आपको इसको और इसको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे आप, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आप जब आप n इज इक्वल टू के पुट करते हो उसको हमेशा रेक्टेंगल में डाल दिया करो। मैंने इसको रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दिया, क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रूव करते टाइम आप सेकंड इक्वेशन या सेकंड स्टेप का क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो इसके लिए मुझे स्टेटमेंट को रब करना होगा, तो अगेन प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज़ वेट अ मिनट, कि ये जो है ये सिर्फ b की पावर n है, सॉरी हमने थोड़ा सा गलती कर दी, ये सिर्फ b की पावर n है, हमने कंप्लीट की पावर लेके चले, इसको एक बार रुक जाइए, हमारी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट की, इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, p ऑफ n a b की bn, a b की पावर n है, ये पूरे की कंप्लीट पावर n नहीं है, इज इक्वल टू b की पावर n और a। तो अब हम अपना स्टेप अप्लाई करते हैं, स्टेप वन, पुट क्या करना होता है, n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन पुट करिए, a b की पावर वन इज इक्वल टू b n है वन a। इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ से a b आ गया और यहाँ से b a, ये क्या है, ऑलरेडी गिवन है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू, क्योंकि a b और b a तो क्या है, सच दैट है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। सेकेंड स्टेप, यहाँ पे n को क्या पुट करना होता है, k, और ये हमारा कौन सा होता है, ट्रू, एज्यूम ट्रू, तो पुट करिए n इज इक्वल टू k, a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू a, जहाँ n था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, k, और ये सेकंड स्टेप है, तो सेकंड स्टेप को हमेशा किस में डाल लो, रेक्टेंगल बॉक्स में, क्यों, क्योंकि इसको आपको यूज करना है प्रूव करने के लिए थर्ड स्टेप के लिए। तो थर्ड स्टेप आपको क्या करना होता है, इससे नेक्स्ट वैल्यू k प्लस वन, ये क्या है हमारा, टू प्रूव, इसे प्रूव करना है, करिए p ऑफ n, n को पुट कर दिया हमने k प्लस वन, उसके बाद a, यहाँ क्या आ जाएगा, n है तो यहाँ आ जाएगा k प्लस वन इक्वल टू b k प्लस वन इंटू a। अब देखिए आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो इसको यूज़ करना है और ये प्रूफ करना है, तो करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले देखिए ये a b k प्लस वन, इसको यूज़ करूँगा मैं, तो इसके लिए मुझे रब करना होगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ देखिए a इंटू बी की पावर k प्लस वन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a b की पावर k प्लस वन, तो ये b की पावर k प्लस वन है, मैंने b का बेस अलग अलग कर दिया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है a इंटू बी की पावर k इंटू बी की पावर
वन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आपको गिवन क्या है, आपको प्रूव करना है b की पावर k प्लस वन इंटू ए। क्या यहाँ पर आपकी कोई टर्म बन रही है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यस ये a b की पावर k है, ये भी a b की पावर k है, इसको क्या लिखा जा सकता है, b की पावर k इंटू ए। तो मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, b की पावर k इंटू ए, और ये टर्म एज इट इज b की पावर 1 b, ये कहाँ से मान लेता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। कहाँ से आएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब देखिए प्रूव आपको करना है, a को अलग करना है और b की पावर k प्लस 1, तो b को साथ साथ करना है आपको। इसको साथ साथ करने के लिए आपको ये पता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये तो गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, b की पावर k, ए बी को किससे रिप्लेस करा जा सकता है, बी ए से। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब b की पावर k इंटू बी, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो k प्लस 1 इंटू क्या बन गया, a। और देखिए ध्यान से, यही क्या थी आपकी RHS, हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब आपको करना है सेकंड पार्ट प्रूफ, और सेकंड के लिए ये कहा था फर्दर, फर्दर का मतलब है इससे नेक्स्ट सोल्व करना है, इसका मतलब ये चीज जो है आपने लिखी हुई है इसका भी इसमें यूज हो सकता है, तो हमारा क्वेश्चन इसको हमें ये भी यूज करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट दिस। अब मैं इसको रब कर देता हूं, जो जो स्टेटमेंट यूज होगी मैं उसको यूज करूंगा सिर्फ। एक आपकी ये स्टेटमेंट जरूर यूज होगी, ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी के ए, इस चीज को याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी यूज होगी, तो मैं इसको भी रब कर देता हूं। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, सेकंड पार्ट स्टेटमेंट क्या थी, पी ऑफ एन ए बी की पावर एन, कंप्लीट की पावर एन था, इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। एक बार चेक करते हैं क्या यही स्टेटमेंट थी, ए की पावर एन बी की पावर एन, यस यही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेप करते हैं, स्टेप वन क्या पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू वन, तो करिए स्टेटमेंट पी ऑफ वन, ये क्या बन जाएगा आपका, ए बी की पावर वन इज इक्वल टू ए की पावर वन इंटू बी की पावर वन। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया आपका ए बी, और यहाँ से क्या आ गया ए पी, और ये तो गिवन है, तो स्टेटमेंट क्या आ गई आपकी ट्रू। पहला स्टेप तो बहुत इजी होता है, नाउ द सेकंड स्टेप, पुट क्या करना है, एनी आर्बिट्रेरी नंबर, सपोज करा हमने के, अब पुट करिए एन को आपको क्या पुट करना है, के, तो ये बन गया पी ऑफ के, और ये बन गया आपका ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के। अब मैं इसको फिर से अगेन रेक्टेंगल बॉक्स में डाल देता हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यूज करना ही पड़ेगा आपको। नाउ द थर्ड स्टेप इज व्हाट, पुट इससे नेक्स्ट नंबर, n इज इक्वल टू के प्लस वन, ये हमारा क्या था, एज्यूम ट्रू, और अब हमें क्या करना है, ये टू प्रूव करना है, तो n को क्या पुट करना है, k प्लस वन, तो पुट करिए p ऑफ n, n को पुट कर दिया हमने k प्लस वन, फिर यहाँ पर भी a b की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू a की पावर k प्लस वन इंटू b के अगेन पावर के प्लस वन। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से, ए बी की होल पावर के प्लस वन। अब देखिए ए बी की होल पावर के प्लस वन है, इसका मैं बेस अलग अलग कर लेता हूँ, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बी की पावर के मल्टीप्लाई
ए बी की पावर वन, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब ध्यान से देखते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, जब ये दोनों की पावर के है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू ए इंटू बी। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको यहाँ कहा था कि एक चीज़ कि जो सेकंड जो हमने रेक्टेंगल बॉक्स में डाला था वहाँ से देखिए, बी के और ए यही हमारे टर्म्स थी, ए बी की पावर के इज इक्वल टू क्या था, बी के की पावर ए, ये था हमारे पास। तो मैं यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट ले लीजिए, प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट फर्स्ट। नाउ सबसे पहले हमने क्या करा था, ए बी के प्लस वन था तो ए बी की पावर के इंटू ए बी, फिर हमने देखा कि ए बी की पावर के फ्रॉम इक्वेशन थी से दोनों का अलग अलग हो जाता है पावर, दोनों का अलग अलग कर दिया। और फिर हमें ये पता है ए बी की पावर के बिकॉज इज इक्वल टू क्या था, बी की पावर के इंटू ए, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन वन जो मैंने हाईलाइट की थी। तो अब देखिए, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ए की पावर के बी की पावर के इंटू ए को ये लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको लिख दिया ए बी की पावर के, और फिर ये जो बी है ये एज इट इज, दोबारा देखिए, ए की पावर के मैंने एज इट इज लिखा और बी की पावर के इंटू ए को फ्रॉम इक्वेशन वन से सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये बी एज इट इज। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए की पावर के इंटू ए इसको मैंने अलग कर दिया और इसको अलग, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है के इंटू बी। अब यहाँ बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो गई, ए की पावर के प्लस वन और ये क्या बन गया, बी की पावर के प्लस वन। अब यही देखिए, यही बिल्कुल सेम टू सेम सेम है, तो इट मीन्स ये इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव, हेंस प्रूव। तो हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है 2x2 की, इज सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई, आई का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन आपको बताना है कि ये किसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है या ये सॉल्यूशन या यही या ये। आपको चार ऑप्शन दे दिए गए, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपको दिया गया क्या है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई। तो आप यहाँ करिए, ए स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, और ए मैट्रिक्स आपको गिवन है अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, फिर अगेन ए अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है ये 2x2 की है, तो ये भी किस ऑर्डर की होगी, 2x2 की, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को लॉक करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वेयर, बीटा इंटू गामा बीटा गामा, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब सेकंड कॉलम से अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, बीटा इंटू माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा बीटा। अब सेकंड रो को लॉक करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा गामा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से माइनस अल्फा गामा। अब सेकंड कॉलम से गामा इंटू बीटा गामा बीटा माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा तो प्लस अल्फा स्क्वेयर, और इक्वल टू क्या है, 1 0 0 1। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के कोरस्पोंडिंग इक्वल, इसका ये मतलब हो गया अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, और ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। पहले तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब इसको इक्वेट करते हैं 1 0 0 1। देखिए ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, और ये वैल्यू क्या थी आपकी, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वेयर। तो ये एलिमेंट किसके इक्वल हो गया, 1 के, इसका मतलब अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, और ये इसके इक्वल हो गया।
देखिए ये सब सेम है बिल्कुल, अल्फा स्क्वायर प्लस में गामा बीटा अगेन इक्वल टू वन, दोनों की दोनों सेम कंडीशन है। अब देखिए ये क्या कहाँ से मैच करता है, राइट साइड पे इक्वल टू जीरो है, राइट साइड पे इक्वल टू जीरो है तो आप क्या करिए, इन सबको राइट साइड में ले जाइए। तो मैं यहाँ पे इसको जीरो बन गया, ये वन माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा। तो चेक करते हैं, वन माइनस अल्फा स्क्वायर नो, वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, इसका मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव है, और वन शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, इट्स वेरी इजी, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द मैट्रिक्स ए इज अ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए है जो दोनों की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, सिमेट्रिक की भी और स्क्यू सिमेट्रिक की भी, देन आपको बताना है इन फोर ऑप्शन में से विच वन इज करेक्ट। इट मीन्स ये भी क्या आपका एक एमसीक्यू है। फर्स्ट ऑप्शन कहा ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स इज व्हाट, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। सेकेंड वन इज ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मीन्स इट मीन्स द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी जीरो। थर्ड इज इट्स अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, इट मीन्स इट मे बी टू क्रॉस टू और थ्री क्रॉस थ्री, फोर क्रॉस फोर और मे बी एनथिंग, एंड नन ऑफ दिन, चारों में तीनों में से कोई भी नहीं है। तो देखते हैं, चेक करते हैं, सबसे पहले आपको पता है ए जो है वो सिमेट्रिक भी है प्लस स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। और आपको पता है सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। सिमेट्रिक मीन्स कि यदि आप उसका ट्रांसपोज करते हो, सॉरी, यदि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज करने से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ट्रांसपोज करने से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है लेकिन सभी एलिमेंट के साइन चेंज हो जाते हैं तो वो क्या मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे से लिखूँ रो और कॉलम में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, आई जे। यदि मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ तो ट्रांसपोज करने से क्या होता है, आई किसके लिए होता है, रो के लिए, और जे किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। यदि ट्रांसपोज कर दूंगा तो रो चेंज हो जाएंगे कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएंगे रो में, इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, जे आई के। एंड इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ए आई जे का ट्रांसपोज करने से क्या मिलता है आपको, कि मैट्रिक्स तो वही मिलती है जे आई, लेकिन उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको सोल्व करना है इसको, अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यस ए आई जे, हाँ इसको इक्वेशन वन बना देता हूँ और इसको इक्वेशन टू बना देता हूँ, और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन माइनस टू। अब देखिए ए आई जे ट्रांसपोज में से ए आई जे ट्रांसपोज कैंसिल आउट, यहाँ क्या है ए जे आई, और माइनस करोगे आप यहाँ से माइनस के ए जे आई, तो आपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा जीरो। तो ए जे आई नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव ए जे आई, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, टू जे आई। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इक्वल टू क्या आ गई, जीरो। तो इसका मतलब इट इज अ नल और जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ऐसी कोई मैट्रिक जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो क्या होगी आपकी, दैट शुड बी अ जीरो मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा, बस जस्ट आपको ये करना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, हमने इसको रो और कॉलम में करा तो यहाँ आई जे था तो ये इंटरचेंज हो जाएगा जे आई में, ऐसे ही यहाँ आई जे था इंटरचेंज हो गया जे आई में,
सिमेट्री के केस में सेम वैल्यू आ जाती है और स्क्यू सिमेट्री के केस में साइन चेंज हो जाता है। हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट, लेफ्ट लेफ्ट से माइनस होगा तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा जीरो। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टू ए आई जे। अब ये कितना बन गया था आपका, देखो टू ए आई जे, और टू को इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा आपका ए जे आई। इसका मतलब ये इक्वल टू क्या है जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है जीरो मैट्रिक्स, तो आपका आंसर क्या आएगा बी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड अगेन। अभी मैंने इसको यहाँ ए मैट्रिक्स को आई जे की टर्म्स में लिखा हुआ था, लेकिन ये था प्रॉपर सिंटेक्स में, यदि प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि कैपिटल लेटर में मोस्टली हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, उसको स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर यूज़ किया था, तो आप इस लेटर को अवॉइड करिए, क्योंकि आपको प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करना है, कहीं भी आपका हाफ मार्क्स ना कटे। तो मैं इसको देखिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मान लेता हूँ लेट ए मैट्रिक्स आपकी ए आई जे, ये इसके क्या है एलिमेंट, क्योंकि मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो और उनके एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल लेटर से। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ किया, तो उसको अवॉइड कर दीजिए, आप यूज़ करिए ये चीज़ ए आई जे। अब हम इसको यूज़ करते हैं, तो यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हो तो इसके एलिमेंट्स अभी क्या है ए आई जे, और जब आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो मैं एक बार यहाँ से एक बार दोबारा से करता हूँ, इसको अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में ना आके आपसे प्रूफ में भी आ जाता है, तो कैसे प्रूफ करोगे प्रॉपर वे से, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लेट मान लेते हैं कि हमारी ए मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है, और ए आई जे क्या है उसकी एलिमेंट्स है। फिर यदि हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, फोर सिमेट्रिक, हमें ये पता है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, तो यदि हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा ए जे आई में, और ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है आपके ए आई जे, ये है। अब जब मैट्रिक्स को आप इक्वेट करते हो तो इक्वेट करने से क्या होते हैं, इसके एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया ए जे आई इक्वल टू ए आई जे, ऐसे लिख सकते हो। अब इसको इक्वेशन नंबर वन बना दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं फोर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए का ट्रांसपोज करने से आपको नेगेटिव ए मिलता है, इसका मतलब यदि हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए जे आई इक्वल टू नेगेटिव, और ए क्या है आपका ए आई जे। अब आप इसको इक्वेट करोगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो ए जे आई किसके इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ए आई जे के, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ टू इन इक्वेशन वन, या यहाँ लिख देता हूँ पुट द वेल पुट ए पुट ए जे आई, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन वन में, इन इक्वेशन वन। तो यहाँ पे क्या है आपका ए आई जे, यहाँ पे राइट साइड पे है, और लेफ्ट साइड पे देखो क्या है ए जे आई, और जे आई की वैल्यू कितनी है माइनस के ए आई जे। देखिए ध्यान से, ए आई जे को मैंने एज इट इज रखा, और ए जे आई, और ए जे आई की वैल्यू कितनी है माइनस के ए आई जे। अब इस नेगेटिव वैल्यू को राइट साइड में ले जाइए तो यहाँ जीरो आ जाएगा ए आई जे, और ये भी नेगेटिव वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया ए आई जे, तो ये क्या बन गया आपका टू ए आई जे इक्वल टू जीरो। और इसका क्या मतलब है टू ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, तो इसलिए ये क्या बन गई एक जीरो मैट्रिक्स। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करेगा, कहीं भी आपका हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा। जो फर्स्ट मेथड था वो डायरेक्टली यदि एमसीक्यू आता है आपको चेक करना है कि क्या आंसर आएगा, तो उसको उस वे से सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
Now look at the board. Question number 15. If A is a square matrix such that A square is equal to A, एक condition तो आपको ये दे रखी है कि A square is equal to क्या है A. Then आपको बताना है कि I plus A, I means identity matrix का whole cube minus 7 is equal to I हो is equal to, sorry, I नहीं है ये क्या है? Yes, is equal to I. इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है. तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा? तो आप इसको कह सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ, इसकी फॉर्म को थोड़ा चेंज कर देते हैं. इसको ऐसे लिख सकते हो आई प्लस ए का होल क्यूब, इसको बताना है किसके इक्वल आएगा. इस माइनस सेवन ए को इधर ले जाओ, सेवन ए और ये क्या हो जाएगा प्लस में आई. इसका मतलब आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है. तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं देखिए ध्यान से. सबसे पहले आई प्लस ए का होल क्यूब किसके इक्वल है ये, एक मिनट रुके मैं स्टेटमेंट चेक करते हैं. यस, स्टेटमेंट थोड़ी चेंज है. आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस सेवन ए ये नहीं है. अब आपको ये बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है. समझ आ गया आपको कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस सेवन ए इज इक्वल टू, ये आपको चार ऑप्शन दे दिए गए कि किसके इक्वल है. तो आप इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से करेंगे सॉल्व इसको. सबसे पहले ध्यान दीजिए हमारी टर्म क्या है, आई प्लस ए का होल क्यूब. और आपको पता ही, यदि आपको ए स्क्वायर को सोल्व करना होता है तो आप कैसे लिखते हो, ए इंटू ए. तो यहाँ पर क्यूब है तो इसको कैसे लिखोगे आप, आई प्लस ए मल्टीप्लाई आई प्लस ए मल्टीप्लाई आई प्लस ए माइनस के सेवन ए, ये रिजल्ट आएगा. अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है और आपको ये भी पता है आई इंटू आई क्या होता है, आई होता है. और एक कंडीशन ये दे रखी है आपको, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए. तो सबसे पहले इसकी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, करिए आई इंटू आई प्लस आई इंटू ए. अब इसकी करते हैं ए इंटू आई प्लस ए इंटू ए स्क्वेयर, ये टर्म एज इट इज आई प्लस ए और माइनस के सेवन ए एज इट इज, माइनस के सेवन ए एज इट इज. अब यहां देखिए आई इंटू आई क्या होता है, आई होता है. आई इंटू ए किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको वही मैट्रिक्स मिलती है, ये भी प्रॉपर्टी होती है. तो a इंटू आई, तो ये भी क्या बन गया a. और यहाँ देखिए a स्क्वेयर, a स्क्वेयर किसके इक्वल है a, ये गिवन है. और ये दोनों चीज़ क्या है आपकी प्रॉपर्टी. तो अब रिजल्ट क्या बन गया, i इंटू आई ये i बन गया प्लस आई इंटू ए ए प्लस ए प्लस ए और ये टर्म एज इट इज आई प्लस ए माइनस में सेवन ए. अब यहाँ देखिए आई प्लस ए ए ए कितना बन गया थ्री ए, अगेन आई प्लस ए माइनस सेवन ए. अब मैं डायरेक्टली करता हूँ मल्टीप्लाई, आई इंटू आई आई बन जाएगा, I इंटू थ्री ए थ्री ए बन जाएगा प्लस A इंटू आई ए बन जाएगा प्लस A इंटू थ्री ए थ्री ए स्क्वेयर बन जाएगा माइनस के सेवन ए. अब यहाँ देखिए आगे ये I थ्री ए और A कितना बन गया फोर ए, या पहले इसको एच डी लिख देता हूँ. यहाँ पर फिर से A स्क्वेयर आ गया, A स्क्वेयर को अगेन क्या लिख लिया ए, ए स्क्वायर को ए लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका थ्री ए माइनस के सेवन ए. तो ये आई थ्री थ्री सिक्स और वन सेवन ए, आई प्लस सेवन ए
माइनस में 7a। अब 7a से 7a कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या रहा? आई। इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा आई, ये आपका सी आंसर इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट करेक्ट कर ली है, बुक्स में भी ऐसे हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सी दो प्रॉपर्टी मैं दोबारा से लिखवा देता हूँ, आपको याद रखनी है हमेशा। आई इंटू आई इज आई होता है, आई इंटू ए करो या ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगी आपको। तो ये दो प्रॉपर्टी यूज़ की है और एक ये गिवन यूज़ किया है, सिंपल मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और आपका आंसर क्या हो गया? सॉल्व। तो हमने अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 वेरी शॉर्टली। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।